तो आप थोड़ा इन सभी कंट्रोल्स, ये सब स्क्रीन, वो वहाँ पे जो कंट्रोल्स है ना वो सभी बताइए। ये रिवर्स कैमरा है। हमको okay. अभी क्लीनर की जरूरत नहीं है। ओके okay. अभी इसमें देख के हम लोग गाड़ी रिवर्स मार सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन को आता है। हाँ, तो ग्रीन से पहले ही हम लोग गाड़ी स्टार्ट। थोड़ा वीडियो में नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ग्रीन, येलो एंड रेड है। रेड को आ गया समझो गाड़ी टच हो गया। रेड को आने तक नहीं आना, ठीक है। ग्रीन को आने तक आना बस उतना ही। यहाँ पे अभी दिख रहा है ग्रीन, येलो एंड रेड। येलो को कंपलसरी रोक देना गाड़ी, रोक देना है। अभी रेड को आया ना गाड़ी टच हो जाएगा। ये हम लोग को ये इसमें देख के पीछे रिवर्स लेना पड़ता है। ठीक है। और ये पूरा लाइट कंट्रोल सिस्टम, पूरा अंदर का लाइट है, बाहर का लाइट है, और इन्वर्टर है। ओके, इन्वर्टर है, टीवी का स्विच है। अब ये पूरा लाइट कंट्रोलिंग, लाइट अंदर का पूरा लाइट कंट्रोलिंग, ठीक है। अभी इधर है ये पीछे का मल्टी टायर हाइट करने का। अभी गाड़ी हम लोग फुल टर्न मार रहे हैं तो टायर घिसता है। करेक्ट। तो इसलिए क्या है, इसको हाइट करना, ये बटन एक बार प्रेस कर दिया तो मल्टी व्हील पीछे का हाइट हो जाता है। हम लोग टर्न करने के बाद फिर ऑटोमेटिक गाड़ी स्पीड हो गया तो ऑटोमेटिक वॉच डाउन हो जाता है। ओके हो गया। और ये है मेन स्विच, मेन गाड़ी पूरा बंद हो जाता है। Okay. गाड़ी पूरा ऑलरेडी बैटरी गिटरी सब पूरा एक लाइट भी नहीं आता। ये लाइट मेन स्विच है। okay. और ये स्विच है गाड़ी हाइट करने का, जब स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी नीचे लगता है। okay. तो इसलिए वो गाड़ी हाइट करके देरी से मूविंग करके गाड़ी हाइट करना, एक बार इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी हाइट होता है। ठीक है, फिर गाड़ी हम स्पीड ब्रेकर में पास होने के बाद में फिर इसको नीचे दबा देना, ठीक है, डाउन हो जाता है। ओके। और ये बारिश की वजह से, बारिश में गाड़ी स्किड होता है, जब ब्रेक मारे तो गाड़ी स्किड होता है। करेक्ट। तो ये बटन इसको एक बार ऑन करके मार के छोड़ने से गाड़ी पूरा व्हील का ब्रेक एक समा हो जाता है। मतलब एक व्हील में ज्यादा रहता है पैड, एक व्हील में कम रहता है। ब्रेक मारा तो गाड़ी क्या होता है, स्किड होता है। स्किड होने से ये डाल दिया तो पूरा नॉर्मली एक पूरा जितना पैड है गाड़ी में, सिक्स व्हील में भी ब्रेक पैड से पूरा इक्वल हो जाता है, गाड़ी फ्री हो जाता है। तो ब्रेक मारने से गाड़ी कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है। और ये स्विच है हिल स्टेक बटन बोलते है, हिल स्टेक बोले तो गाड़ी अभी हाइट में है। गाड़ी रोड जाम है, अभी हाइट में गाड़ी खड़ा है। अभी हम लोग गियर में मुंह करने गया तो ब्रेक पे से पैर निकाल के एक्सलेटर देना था, गाड़ी पीछे जा सकता है। ठीक है। अभी ये बटन एक बार प्रेस करके छोड़ेंगे तो गियर में रहता गाड़ी। गियर में रुकने के बाद में इसको हम लोग हैंड ब्रेक रिलीज करता है। अभी घाट में गाड़ी खड़ा, हैंड ब्रेक रिलीज करके गियर में रहता गाड़ी। तो ये बटन एक बार प्रेस करेगा तो गाड़ी पीछे नहीं जाता, गाड़ी स्टॉप में रहता है। हम लोग ब्रेक पे से पैर काट के एक्सीलरेटर पे देने तक गाड़ी पीछे नहीं जाता। अभी हम लोग एक्सीलरेटर दिया तो गाड़ी सामने मूविंग होता है। जब मूविंग हो गया गाड़ी फिर इसको बटन को प्रेस करके छोड़ देना, ठीक है। ऑटोमेटिक हो जाता। बहुत ही अच्छा फीचर है। और ये रेड कलर का क्या है वो? ये लाइट है, अगर कुछ अंदर कुछ हो गया इमरजेंसी का ये लाइट चालू होता है। ओके। कुछ आग पकड़ा कुछ ये, जो है वो? ये मेन स्विच, सबसे मेन स्विच है। ये भी मेन स्विच है। ये क्या अभी है? इसको देखो, ये मेन कर दिया था, अभी पूरा गाड़ी का है डिस्प्ले, है कैमरा, पूरा लाइटिंग वीटिंग सब, पूरा बैटरी का कनेक्शन बंद हो जाता है। बैटरी से एक पॉइंट भी कनेक्शन अंदर नहीं आता ये स्विच ऐसा ऊपर उठाने से, ठीक है। फिर इसको प्रेस कर दिया तो पूरा ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। और ये पार्किंग ब्रेक, जो पार्किंग में रुकता है गाड़ी, हिल स्टेक में रुकता है, कभी भी गाड़ी हैंड ब्रेक डाल के रखना, ठीक है। नहीं तो गाड़ी आगे मुंह हो जाता है। और थोड़ा लाइट वगैरह, लाइट का सिस्टम किधर कंट्रोल करते हैं आप? हेडलाइट का सिस्टम है, ये एडीपर स्विच है, इसमें इंडिकेटर है। ओके। आगे गया तो राइट का इंडिकेटर है। अभी ये डिपर स्विच है, अभी ये लाइट है, इसको हम लोग चालू किया, ये फर्स्ट पार्किंग आता है, फर्स्ट पार्किंग आया, सेकंड हेडलाइट आया, थर्ड पूरा चार लाइट भी आ गया। सभी लाइट्स लग जाएंगे, सभी लाइट लग गया। अभी इसको डिपर मारे हाई बीम आ गया। करेक्ट। हाई बीम आया, वहाँ पे कलर देगा। अभी ये लो बीम लो बीम आया, ठीक है। इसमें ये कंट्रोल लाइट का कंट्रोल सिस्टम, और ये रिटेटर ब्रेक है। अभी हिल स्टेक में हम लोग घाट में गाड़ी डाउन उतर रहा है, सडन ब्रेक मारा, गाड़ी स्किड हो सकता है। तो इसको कंट्रोल में 1 2 3 रिटेटर यूज कर सकते, धीरे धीरे गाड़ी पकड़ के स्लो होता है। फिर उसको गाड़ी हमारा लेवल हो गया, रोड लेवल मिल गया तो इसको आगे कर देना। और ये वाइफर मोटर का है, और पूरा डिस्प्ले ओपन करने का सिस्टम है इसमें। ओके। इसके अंदर ये जो है, अभी समझो देखो, डीजल चेक करना है हमारे को।